अस्सलामुअलैकुम माई YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ क्लिक ऑन एयर फ्रायर का रिव्यू करूँगी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए जी, हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। मेरे पास क्लिक ऑन का एयर फ्रायर है और आज मैं आपके साथ इसका रिव्यू करूँगी, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल दूँगी। क्लिक ऑन का एयर फ्रायर है, ये नेट वेट है इसका 3.8 kg, क्रॉस वेट इसका है 4.5 kg है, 1500 वाट का है। अच्छा जी, 0% इसमें ऑयल यूज़ होता है, 2.5 लीटर की इसकी जो नॉन स्टिक की कंटेनर बास्केट है, मल्टी फंक्शनल है, ये 1500 वाट्स का है। ये साथ में इसका कोड लिखा हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं पूरी डिटेल्स लिख दूँगी। एडजस्टेबल है इसका टाइमर, डिश वाशर सेफ बास्केट है। इसको मैंने अनबॉक्सिंग इसकी कर ली है और अब मैं आगे इसकी डिटेल देती हूँ। ये जी इसका टाइमर है, ये एडजस्टेबल टाइमर है। ये साथ में इसका टम्परेचर शो करने वाला है और आप ये ऑटोमेटिक है, यानी कि आप इसको बस पांच कोई भी चीज़ पैक करने से पहले आप इसे 6 से 7 मिनट के लिए बस प्रीहीट करें और जो आपने टाइमर लगाना है अपनी चीज़ के मुताबिक 180 डिग्री पर, वो आप इसमें लगा सकते हैं। इसको थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करेंगे तो ये इसकी कंटेनर बास्केट बाहर निकल आएगी और देखिए कि ये अंदर से बिल्कुल नॉन स्टिकी है। इसमें हर चीज़ बेक हो जाती है, कुकीज़, फ़िश फिलेट्स, फ्राइज और नगेट्स, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसमें, चिकन के जो पीस हैं वो भी इसमें रेडी हो जाते हैं। यानी कि ये हर लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का क्लिक ऑन का ये एयर फ्रायर है। और अब हम इसके कंटेनर बास्केट को बंद करते हैं। जी ये इसकी थी अनबॉक्सिंग, इसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल दी थी। मज़े की बात इसमें यह है कि जितनी भी इसने हीट लेनी होती है वो एडजस्टेबल है, इसमें ऑटोमेटिकली इसमें उन्होंने फंक्शन रखे हुए हैं। अच्छा जी, इसके ऊपर उन्होंने पिक्चर्स भी डाली हुई हैं, आप इसमें फ्राइज, मीट, फिश और इसके अलावा पोटैटोज़, ये चीज़ें आप इसमें बेक कर सकते हैं, कुकीज़ भी कर सकते हैं। यानी कि हर लिहाज से ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एयर फ्रायर है। और ये देखिए जी, मैं आपको बताती हूँ कि इसको मैंने अब इसमें 15-20 मिनट का टाइम लगाना था तो मैंने लगाया। इस तरह से इसकी लाइट्स ऑन होती हैं और जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए किया है। 8 से 10 मिनट के लिए मैंने इसको पहले ही प्रीहीट कर लिया था और अब फिर उसके बाद मैंने इसमें अपना जो केक बैटर रेडी किया था उसको रखा और उसको रख के तो इसको मैंने बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट का टाइम लगाया था इसको बेक करने के लिए। 25 मिनट के बाद जब मैंने इस एयर फ्रायर को खोला तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो केक है वो बेक हुआ था। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ आगे। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का केक बेक हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की एयर फ्रायर की अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो फीडबैक दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नई और यूनिक सी वीडियो के साथ। आप इंस्टाग्राम पे मुझे इनबॉक्स करके इसके बारे में डिटेल्स दे सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।